तो ये व्यू था सेंटोसा आइलैंड का, जहाँ से केबल कार्ट के थ्रू जाना था, एंड जो मेन एरिया था यूनिवर्सल स्टूडियो का, वहाँ से केबल कार जाती थी सेंटोसा आइलैंड के लिए। ये मेरे पास का पार्ट था। मैं बहुत थक गई थी सारी की सारी राइड्स करके, मेरे पैर काफ़ी दुख रहे थे, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो कार्ट से ही जाना है, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। और आप देख सकते हैं, इट वॉज़ वर्थ इट। बहुत 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 खूबसूरत था। मैंने बहुत सारे गाने गाए इस कार्ट में, लेकिन मैं सारे यहाँ नहीं डाल सकती। मैं इस वक्त भी गाना गा रही थी इस वक्त केबिन कार्ट के अंदर, एंड इट वॉज़ अमेजिंग। एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इतने सारे आइलैंड्स थे, बहुत ही सुंदर सुंदर बीचेस थे, एंड दे ऑल स्टोल माई हार्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे। और ऐसे केबल कार्ड चेंज करते करते मेरे ख्याल से मैंने 3 कार्ड्स चेंज की थी, और उसके बाद मैं यहाँ पहुँची थी। इसका नाम है सेंटोसा आइलैंड, जहाँ पर मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं बीच पर बैठी, मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें की, लेकिन मैंने वो खो दी। तो गाते गुनगुनाते हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं। और अब पूरी हिम्मत जुटा के वापस मेट्रो स्टेशन जाना है और वापस घर जाना है। वैसे तो बीच पर जा सकते हैं, पर हिम्मत नहीं है। लिटरली मेरे पैर ऐसे हो गए ना कि मैं नहीं बता सकती, मतलब आई जस्ट गो होम एंड क्रैश। हिम्मत बहुत है, बहुत एनर्जाइज्ड हूँ, पर पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। आई हैव नो आइडिया, जबकि मैंने शूज़ पहने थे। नो आइडिया व्हाई। तो अब हुआ कुछ यूँ है कि मैं बीचेस स्टेशन पर आ गई हूँ, और वो रहे बीचेस पीछे। तो कायनात भी चाहता है कि मैं आज ही बीचेस भी चली जाऊँ, पर मुझे उससे पहले यहाँ आइसक्रीम दिख गई है, तो पहले मैं आइसक्रीम ले लेती हूँ एंड देन विल गो देयर। थैंक यू सो मच। सो मैंने आइसक्रीम ले लिया, मैं बैठकर खाने वाली हूँ। बिलीव मी, इतनी प्यारी जगह है ना, इतनी सुंदर बीचेस है। जो मैं ऊपर से दिखा रही थी आपको मोनोरेल से, केबल कार से, वही सारे बीचेस हैं यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर है। आई विल सिट डाउन एंड हैव आइसक्रीम एंड चिट चैट। बीचेस की जो ये बेल्ट है, ये बहुत लंबी है, बहुत लंबी, मतलब जितना एक्सप्लोर करो कम है। लेकिन एक तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, मेरे फोन पर ज्यादा बैटरी नहीं है, और मुझे होटल भी पहुंचना है वापस, और अंधेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी घर वापस चली जाती हूँ होटल। आज आपको होटल की ऑब्जर्वेटरी दिखाती हूँ, और यहाँ पे शायद कल या परसों मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, दोबारा दिखा देंगे। तो वापस चलते हैं होटल, और फिर वहां पर कॉफी के साथ आपको मिलते हैं। Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah.
There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Hello, my beautiful people. मैं वापस रूम में आ चुकी हूँ. कल मुझे चेकआउट करना है. किसी और जगह मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर सब रूम फुल हो चुके हैं. मैंने सोचा था मैं आधा टाइम यहाँ फिर आधा टाइम किसी और होटल में रहूंगी, और वहां मैंने बुक किया था लेकिन कैंसिल कर दिया कि इसको एक्सटेंड कर दूंगी. पता चला ये भी बुक हो गया और वो भी चला गया. सो अभी देखते हैं वेग जी इस चेकिंग आउट की क्या कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज, और फिर आपको तो बताते ही रहेंगे. इट वॉज अ फन फिल्ड डे. मैं नहीं बता सकती मैं कितना फन किया है. मैंने पता ही नहीं चलता चलते चलते कब यू नो 20,000 स्टेप ऐसे हो जाते हैं आपके, और बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया. लेकिन हाँ, मेरे पैरों ने बहुत मुझे यू नो साथ दिया, लेकिन बहुत दुख रहे हैं. एनर्जी मेरे अंदर बहुत है, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. आई हैव नो आइडिया व्हाई इज इट हैपनिंग, बट यस बहुत ज्यादा दुख रहे हैं मेरे पैर. तो अब मैं आराम करती हूँ, कॉफी पीती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी बटोरती हूँ, और अगर आ जाती है पैरों में जान तो मैं फिर आपको ऊपर ऑब्जर्वेटरी दिखाती हूँ. बहुत ही प्यारी सी ऑब्जर्वेटरी है ऊपर, वहां से आपको दिखाती हूँ. मैंने होटल का टूर भी नहीं दिया है, कल चेकआउट है. लेट्स सी व्हाट डू आई डू. आपको दिखाती हूँ होटल भी, थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी. स्विमिंग पूल दिखता है यहाँ से 25th फ्लोर पे, बहुत सुंदर, बट वो ऊपर से दिखा दूंगी सुबह सुबह, ठीक है. सो बस मैं भी रिलैक्स करती हूँ और फिर आपको ऊपर ऑब्जर्वेटरी दिखा पाती हूँ तो दिखाती हूँ. और से देखिए इन पैरों को, इन्होंने आज बहुत मेहनत की है, बेचारे फील भी नहीं हो रहे मुझे अब, इतनी मेहनत की है. तो चलिए आराम फरमाते हैं इनके लिए. यहाँ स्पा नहीं है, नहीं तो पक्की बात है आज मैं फुट स्पा लेती, कभी लिया नहीं है मैंने, पर आज लग रही है कि जरूरत है भाई. मैं चेंज करने वाली थी, फिर मैंने सोचा पहले आपको ऑब्जर्वेटरी दिखाकर आ जाती हूँ और फिर चेंज करेंगे, ठीक है. बल्कि चेंज क्या करेंगे, उसके बाद मैं डिनर के लिए नीचे ही चली जाऊंगी. नीचे मैंने बिस्ट्रो देखा काफी अच्छा, तो वहां जाएंगे. ओके चलिए आपको ऑब्जर्वेटरी लेकर चलते हैं. वहां से बहुत सुंदर सिंगापुर का सीन दिखता है. मैं कल गई थी रात को लेकिन पूरा पैक्ड था. आज तो संडे जो है और भी पैक्ड होगा. लेट्स गो एंड चेक आउट कि कैसी दिखती है ऑब्जर्वेटरी या ऑब्जर्वेटरी से वो जगह. सॉरी हाई के चक्कर में रह गए. ऑब्जर्वेटरी 39, बहुत ही फास्ट है ये देखो. 34, 35, 36, 37. Hello. Hi ma'am. Hi. Same here. Hello. So, देखा आपने ऑब्जर्वेटरी में इतना प्यारा व्यू है, आई कैन नॉट टेल यू. मैं वहीं बैठी थोड़ी देर एंड बहुत अच्छा सा व्यू एंजॉय किया, एंड सब लोग ड्रिंक्स वगैरह स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे. मैंने सोचा मैं सीधा डिनर ही करूंगी, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ. नीचे मैंने बहुत ही एपिक बिस्ट्रो देखा था. बिस्ट्रो क्या मतलब, बिस्ट्रो देखा था, तो वहां मैं देखती हूँ क्या क्या ऑप्शन है पहले. इंडिया में इतना प्यारा कल्चर है घर में खाना बनाने का और यू नो इस तरीके से रहने का. ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हर कोई खाना लेके आ रहा है बाहर से, हर कोई. मतलब शाम का खाना, आज मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, मेट्रो में भी जो देखो सबके हाथ में खाना था. मतलब मील ना वो बॉक्स के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान, आई एम नॉट जजिंग कि भाई ये गलत है या हम सही हैं, पर आई डोंट नो, मुझे आई एम मोर कनेक्टेड टू. एनी वेज मैंने दोनों कल्चर देख लिए, मैं खुद भी यही कर रही हूँ यहाँ पे खाना लेके आ रही हूँ. बट आई रियली फील कि घर पे खाना बनाना वो खाना अलग ही फील है भाई, बिल्कुल अलग फील है. बट चलो अभी तो हम यहाँ खाना लेके आते, और मैं आपको होटल का टूर भी देती हूँ. मैंने दिया ही नहीं, आई एम सॉरी.
क्योंकि ना खुद ही बहुत कन्फ्यूजन है होटल. मैं अब आपको बताऊंगी कैसे कैसे पूरा यू नो सिनेरियो. बहुत सुंदर होटल है, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट इन सिंगापुर, और बहुत सुंदर. ये तो सब देख ही लिया आपने, पौधे वौधे मैंने दिखाए थे. मुझे डिनर नहीं मिला तो मैं ऑब्जर्वेटरी में गई, वहाँ पर ड्रिंक्स एंड स्नैक्स चल रहे थे तो मैंने स्नैक्स वगैरह खा लिए. डन. बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं इनके तो, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है एक्चुअली. तो आई एम डन फॉर द डे, थैंक गॉड. और कल करना है चेक आउट, इसलिए मुझे फटाफट पैकिंग करनी है ताकि कल सूट केस उठाए और बाय. ठीक है, तो अब कल मिलते हैं नई लोकेशन पर. तो रात के 12 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कल की प्लानिंग कर लेते हैं कि कल कहाँ जाना है. मैं बेसिकली सुबह उठ के देखती थी कहाँ कहाँ क्या क्या कवर हो सकता है. तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए, ये है लिस्ट ऑफ अट्रैक्शंस, टिक जो मैंने कर लिए, सर्कल जो मैं करना चाहती हूँ. ये है मेरा MRT का मैप, ट्रेन का मैप. ये थोड़ा सा और एक्सप्लोसिव करने के लिए कि कैसे कैसे एक्सप्रेस होगा पूरा का पूरा रास्ता. सो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इफ एट ऑल यू आर ट्रैवलिंग, दिस इज पार्ट ऑफ इट एंड दैट्स व्हाट द फन इज. इतना मतलब अगर मैं आपको सब कुछ बता दूं कि यहाँ जाना है यहाँ जाना है यहाँ जाना है ये करना है ये करना है, इट बिकम्स वेरी इजी. लेकिन ये जो एक्सप्लोरेशन है ना कि कब कहाँ क्या, वहां वेग जी सेटिंग वेटिंग करना है, यू नो कहाँ पर बुकिंग हो सकती है, कहाँ पर पहले से ही बुकिंग हो सकती है, होटल कहाँ पे है ना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इसका मजा ही कुछ और है. लिटरली आप पूछ के जाओ, ऑब्वियसली एक आइडिया होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो. लेकिन ये जो एक्सप्लोरेशन है ना, ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है. एंड इफ यू वेरेवर यू गो, प्लीज ये चीज अपने लिए खुद करो और फिर आप देखोगे जो थकान जितनी भी हो ना मीठी होती है. ये बात तो है. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look.